न्यू चैप्टर है बेटा। ठीक, इसमें क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो जानते ही हो, कैरेक्टर ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है बेटा, जीन। अब जीन भी जानते हो, इसको भी डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है, जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जो एक एंजाइम फॉर्म करता है। इसके बाद बताया ये कि जीन भी किससे मिलके बना है, जीन भी बना होगा किसी चीज से, तो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, डीएनए। तो बोले कि इनहेरिटेंस के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, और इसी के साथ साथ एक मॉलिक्यूल और है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। बताया कि डीएनए की तरह एक मॉलिक्यूल और होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, साथ साथ एक मॉलिक्यूल और बताया, बेसिक मॉलिक्यूल आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक। तो ये हुआ कि क्या ये फंक्शनल जो यूनिट है, क्या यही बेसिस है, या इनके बेसिस और कुछ भी हैं, या इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो डीएनए किससे मिलके बना होता है, क्या होता है, आरएनए किससे मिलके बना होता है, क्या होता है। तो जब डीएनए को देखा गया बेटा, तो जो डीएनए होता है वो तीन चीजों से मिलके बना होता है। किससे किससे मिलके बना होता है बोलो, सुगर प्लस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड। जो ये बेस होता है इसको कहते हैं नाइट्रोजीनस बेस। क्या होता है ये, नाइट्रोजीनस बेस। पूरा एकदम डिस्क्राइब कर दूं या पढ़े हो इलेवेंथ में, बस जनरल बता दूं। जो शुगर होता है बेटा, ये शुगर कौन सा होता है, डी ऑक्सीराइबोज। कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज। ये कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का, इसलिए इसको कहते हैं पेंटोज। क्या कहते हैं इसको, पेंटोज, क्योंकि कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। नाइट्रोजीनस बेस दो टाइप की होती हैं, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। और ये प्यूरीन जो होता है उसमें कौन कौन आता है, आर्जिनिन और गोनिन।
और पाइरिमिडिन क्या क्या होता है बेटा? साइटोसिन और थायमिन। क्लियर है? अच्छा, आर्जिनिन तो अमीनो एसिड है ना। हाँ, एडिनिन, सॉरी। ठीक है, एडिनिन, गोनिन, थायमिन और साइटोसिन। यूरेसिल भी होता है, लेकिन डीएनए में यूरेसिल कभी नहीं पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया? छापो जल्दी। स्ट्रक्चर भी बता दें क्या? चलो स्ट्रक्चर ही बता देते हैं अभी। ठीक है, आरएनए जो होता है, आरएनए भी सेम है, बना लीजिएगा। आरएनए भी होता है सुगर बेस और शुगर जो होता है वो कैसा होता है? राइबोस बेस में भी प्यूरीन और पाइरिमिडीन। प्यूरीन में बेटा वही दोनों, एडिनिन और गोनिन, पाइरिडीन में क्या पाया जाता है बेटा? यूरेसिल और साइटोसिन। इसमें क्या नहीं होता है? थायमिन नहीं होता है। ठीक है, बोले आरएनए बनता कैसे है? डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, ये क्या कहलाता है बेटा? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना क्या होता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है ये? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, या क्या क्या कहलाती बेटा? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? ट्रांसलेशन। चलो करो जल्दी।
अब डीएनए के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है? इसके बाद शुरू करते हैं। डीएनए के लेंथ को कौन डिसाइड करता है बेटा? उसकी यूनिट न्यूक्लियोटाइड। कितनी बड़ी यूनिट है? एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बेटा, अभी बताएंगे। न्यूक्लियोटाइड किसके कहते हैं? जो डीएनए का यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है बेटा? शुगर प्लस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड, यही होता है न्यूक्लियोटाइड। जित एक न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो यूनिट होती है डीएनए की। तो यूनिट कौन हो गया डीएनए का? द यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड है, दो है, तीन है, चार है, कई न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगी तो क्या बनाएंगी? डीएनए। जैसे बेटा आपने पढ़ा है कि अमीनो एसिड किसकी यूनिट होती है? प्रोटीन की, पढ़ा है? वैसे डीएनए की यूनिट कौन होती है? न्यूक्लियोटाइड। तो कुछ डीएनए की लेंथ के बारे में दिया गया है आपके सिलेबस में। डीएनए है, आपने पढ़ा है वायरस जो होते हैं वो आरएनए हो या डीएनए हो, ठीक है? लेकिन कैसे हैं? कुछ में पेयर है, कुछ में सिंगल है, ठीक है? तो 5174 वायरस है बेटा। इसमें जो डीएनए पाया जाता है उसमें होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब डीएनए बेटा कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड है कि डबल स्ट्रैंड है? सिंगल स्ट्रैंड। जो डबल स्ट्रैंड होता है तो क्या कहते हैं हम? बेस पेयर कहते हैं ना। यदि दो स्ट्रैंड का डीएनए होगा तो इधर एक बेस, 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 तुम क्या कहते हैं ऐसे में? बेस पेयर। यदि सिंगल स्ट्रैंड होता है तभी हम क्या कहते हैं उसमें बेटा? न्यूक्लियोटाइड। तो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके बाद आता है आपका बैक्टीरियोफाज बेटा। कौन सा है? बैक्टीरियोफाज में है लैम्डा। लैम्डा बैक्टीरियोफाज। इसमें है बेटा बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होगा कि डबल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड। इसके बाद दिया हुआ है एनसीईआरटी में तीन एग्जाम्पल, चार एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखिए, सीधे पूछा जाता है ह्यूमन में और इसेर्चिया कोलाई में। इसेर्चिया कोलाई में दिया है बेटा
इकोलाई, बेस पेयर, फोर पॉइंट एट ईयर डाटा है, हाँ सही है 4.6, और ह्यूमन में दिया हुआ है 3.3×10⁹ बेस पेयर, बेस पेयर यानी डबल स्टैंडर्ड। जो ह्यूमन में दिया हुआ है वो लिखा हुआ है हेप्लायड, हेप्लायड का मतलब कहां है इतना, ह्यूमन में हेप्लायड स्टेज कहां पाई जाती है, सॉरी या तो स्पर्म में या तो ओवा में। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होगा, सोमैटिक सेल में कितना होगा, ह्यूमन सोमैटिक सेल जो होगा बेटा, ये ह्यूमन हेप्लायड मतलब एन में दिया है ना, 2N में कितना हो जाएगा, 6.6×10⁹ बेस पेयर, यानी DNA कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। क्लियर है, चलो देखो तो DNA का जो चेन होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। कौन किससे जुड़ा होता है, सुगर टू सुगर कौन सा बॉन्ड होता है, सुगर से नाइट्रोजिनस बेस कौन सा बॉन्ड होता है, और सुगर से फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो बुक निकालिए, चलो स्ट्रक्चर बता देते हैं, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न एट द टाइम ऑफ मेंडल, द नेचर ऑफ दोज इज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। बोले मेंडल के टाइम में उन्होंने बताया था कि फैक्टर होता है जो बेटा कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड क्लेमिनेशन एंड रियलाइजेशन दैट द DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल एट द लीस्ट मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में कौन होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल, DNA। मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में कौन होता है जेनेटिक मटेरियल, DNA। एट लीस्ट द मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म। इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड
आर पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। बोले 11 में आपने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में दो है, कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को एक और क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। ये सारा का सारा बेटा 11th का पोर्शन है, ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगा अभी। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए आर द टू टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आरएनए तो आल्सो एक्ट जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। अब देखो ये बात क्लियर हो गई, डीएनए तो सब में होता है जेनेटिक मटेरियल, यदि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो केवल और केवल वायरस में होता है, ठीक है। और वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है आपने पढ़ा था 11th, याद करिए, डीएनए आर आरएनए, हमारे अंदर डीएनए एंड आरएनए मिलता है, ठीक है, उनके अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं पाया जाएगा। आरएनए आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। आरएनए काम क्या होता है बेटा, मैसेंजर। आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल, इट फंक्शन एज द एडाप्टिव स्ट्रक्चर एंड सम केसेस कैटेलिटिक मॉलिक्यूल। तो इसका बेटा फंक्शन क्या है, मैसेंजर, एडाप्टिव स्ट्रक्चर और कैटलिटिक, कई रिएक्शन में बढ़ाता है, इनहांस करता है। इन द 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 11th में आप पढ़ चुके हो, एंड दोज द मोनोमर ऑफ द लिंक इज आल्सो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर डीएनए, इट रेप्लिकेशन, इट प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, इस ट्रांसक्रिप्शन, द जेनेटिक कोड डिटर्मिनेशन, सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन, एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन एंड डिटर्मिनेशन। द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एज सेट द न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स, एंड दिस लिस्ट सेक्शन द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सिक्वेंस एंड द सिक्वेंस आल्सो बी डिस्कस्ड। लेट अस बीइंग डिस्कशन यू फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज अ डीएनए। इन सब सिक्वेंस सेक्शन वी आर अंडरस्टैंड वाई द मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल एंड रिलेशनशिप विथ आरएनए। कह रहे हैं कि हम इसमें देखेंगे कि क्यों यही जेनेटिक मटेरियल है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और आगे इसमें कैसे रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अंडरलाइन करना, ये लॉन्ग पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड का। और न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड से। कौन से न्यूक्लियोटाइड से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए कैसा न्यूक्लियोटाइड है बेटा, राइबोन्यूक्लियोटाइड है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अब आर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिपर्ड एट बेस पेयर। यदि सिंगल स्ट्रैंड है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसे पहला आप देख रहे हो, डबल स्ट्रैंडेड है तो बेस पेयर। क्लियर हो गया, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया था, इट आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल द बैक्टीरियोफाज 5174 हैव द 5386 न्यूक्लियोटाइड। इन बैक्टीरियोफाज लैम्डा इज 48502 बेस पेयर। इन एस्ट्रिचिया कोलाई 4.6×10⁶ बेस पेयर, ठीक है बेटा। इन ह्यूमन हेप्लॉयड, हेप्लॉयड का मतलब कहाँ देखा, स्पर्म या फिर ओवा में, हेप्लॉयड सेल में, जर्म सेल में, कितना है डीएनए बेटा, 3.3×10⁹ बेस पेयर। ये एक सेल की है, हर सेल में इतना पाया जाता है, ठीक है। एंड बेटा डिप्लॉयड में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.6×10⁹ बेस पेयर। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो स्ट्रक्चर देखते हैं।
थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए, डीएनए क्या है बेटा? पॉली डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड, मतलब ढेर सारे होंगे, ठीक है। तो इसमें पहले बात करते हैं बेटा किसकी? शुगर की। अब आपको याद हो जाना चाहिए शुगर कैसा है बेटा, पेंटोज है। कैसा है? फाइव कार्बन का होता है, ठीक है। कैसा है शुगर? पेंटोज। ये ऐसे रिंग फॉर्म में होता है। कैसा होता है? ये रिंग फॉर्म में होता है। ओ एच 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 ओ। इसमें क्या लगा होता है? एच और एच, एच और ओ एच, स्ट्रक्चर कम समझ में आ रहा होगा। चलो अच्छा बताते हैं, ये ऐसे होता है बेटा। ऑक्सीजन है, CH2, ठीक। यहां भी CH2, CH ही होता है बेटा। यदि ओपन चेन होता है तो हमेशा CH2 होता है, और क्लोज चेन होती है तो CH होता है। यहां भी क्या होती है बेटा? CH। अब यहां पे देखना, यदि इसका हम नंबरिंग करते हैं तो कौन सा होता है? ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये पांचवा। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर? थोड़ा सा और सुंदर सा लगे। इसको ऐसे बना दो। अब याद रखना सेकेंड कार्बन पर यहां क्या है? हाइड्रोजन है, जबकि आरएनए में यही सेकेंड कार्बन में बेटा हाइड्रोजन की जगह ओएच आ जाएगा। अच्छा, ओएच आ जाएगा, इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन निकल गया है। ध्यान देना, यहां से ऑक्सीजन निकल गया है, इसीलिए क्या कहते हैं? डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकल गया है।
ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसको डी ऑक्सी राइबोज शुगर। क्या कहते हैं इसको? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ये बड़ा सा जो दिख रहा है वो क्या है? ऑक्सीजन होता है बेटा। ये ऐसे डिजाइन नहीं बना हुआ है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसके बेटा शुगर के बारे में क्लियर हो गया आपको, शुगर कैसा बना हुआ है? ठीक है, बनाइए, याद हो जाएगा स्ट्रक्चर, हो गया होगा बेटा। सी एच ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच, इसका स्ट्रक्चर इसके पहले पढ़े थे, सही बताना, इलेवेंथ में नहीं पढ़े हो? फिर मैं पूरा स्ट्रक्चर ही बताऊंगा बेटा, क्योंकि यहां बिना स्ट्रक्चर जाने आपका काम नहीं होगा। स्ट्रक्चर याद हो गया बेटा? ये स्ट्रक्चर याद करके आइए, बिल्कुल। तो इसी से एसोसिएट में पूरा कैसे डीएनए बनते हैं पूरा एसोसिएशन करके दिखा दूंगा, ठीक है।